आज हम नामधारी के 6222 मोटा धान के बारे में बात करेंगे। आपको इसका बीज भी दिखाएंगे और पैकेट भी दिखाएंगे और पूरी जानकारी भी देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, और अभी तक एग्रीकैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले, और ऐसी खेती की अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रह करें। संपूर्ण जानकारी हम देंगे आपको और आपके लिए संपूर्ण जानकारी लाने का प्रयास करते रहेंगे हम। NS का फुल फॉर्म नामधारी सीड्स का हम हाइब्रिड धान पैडी के जानकारी दे रहे हैं, जो कि सबसे बोल्ड दाने में है। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा NS 6222 मोटा का दाना बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होता है। आपको आगे हम वीडियो में दिखाएंगे इसका दाना भी। जिन किसान भाइयों को मोटा धान पसंद है, यह धान एक बार यूज़ करें ज़रूर, और इसको लगवा के देखें और इसका रिजल्ट भी ज़रूर देखें आप। सबसे अच्छी खासियत की बात यह है कि वजनदार बहुत होता है, और हमने इसका पैकेट भी पलट लिया है। ये देखिए, आपको पैकेट के जूम करके हम आपको दिखाएंगे भी। 6222 मोटे की कुछ विशेषताओं की बात कर ली जाए तो 20 से 25 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसमें कल्लों की संख्या भी बहुत ही अच्छी होती है, और यह मध्यम ऊंचाई का होता है। का बीज दर 1 एकड़ में 6 kg के दर से लगता है। अजनी धान होने के कारण बहुत ही पसंद किया जा भी रहा है इसको, और इसका दाना हम आपको कोचा मार के भी दिखाएंगे। ये हमने कोचा डाल दिया है इसके अंदर, और दाना 2-4 निकलेगा जो कि आपको दिखाएंगे हम। ये देख रहे हैं कोचे के पास में 2-4 दाना आ चुका है। हम इसको हाथ में पलटी कर रहे हैं। पलटी करने के बाद आपको ये स्क्रीन में ला रहे हैं सामने। ये देखिए कितना मोटा बोल्ड, एकदम बोल्ड दाना है, और 20 से 25 दिन में पककर तैयार हो जाता है। 120-125 दिन में पककर तैयार हो जाता है, और दाना भी बहुत ही अच्छा होता है। NS 6222 मोटे के नाम से इसी साल इसको मोटा का उपाधि दिया गया है। का बीज इतना मोटा होने के कारण इसी साल इसको मोटे का दर्जा ज़्यादा दिया गया है। इसका बीज कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके हमें बताइए।